नमस्कार, नेशन न्यूज इंडिया 24 के न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए उत्तर भारत की कुछ खास खबरों के साथ हाजिर हूं मैं अब्दुल अजीज। 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम और आने वाले गणतंत्र दिवस के मौके पर शांति व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था का जायज़ा लेने के लिए भारत और नेपाल के अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय समन्वय बैठक आयोजित की गई, जिसमें सीमा पर शांति व्यवस्था और सीमा पार से आने जाने वालों के सुरक्षा और संदिग्धता को देखते हुए चर्चा की गई। आप सभी को नमस्कार, मैं मोनिका नांगल यूनियन बिहार। बाकी मेरी गीता शुक्ला एस टी रिटायर उतना रेस कर देंगे फॉर द नेक्स्ट टू डेज जितना बॉर्डर के इस तरह का, तो यही हमारा एक मेन एजेंडा है और इस पर हम कुछ चर्चा करेंगे। तो बिफोर डियर मैम एंड आई स्पीक इन द एंड एंड देन ऑफ कोर्स वी वुड लाइक यू आल्सो टू स्पीक एंड शेयर व्हाटएवर यू हैव इन माइंड, उससे पहले जो हमारे फील्ड के ऑफिसर्स हैं और जो एसएसबी के ऑफिसर्स हैं, आपसे मेरा अनुरोध है कि आप अपने अपने लेवल से आपके पास जो इनपुट्स हैं, जो आपके एजेंडा है, जो कंसर्न्स हैं या जो हमारी स्पेसिफिक रिक्वेस्ट हैं नेपाल गवर्नमेंट से, नेपाल पुलिस से, उसको आप सब बारी बारी साझा करें। तो सबसे पहले तो जो हमारे आईबी से यहाँ पे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आपसे मेरा अनुरोध है कि आप पहले थोड़ा सा बताएं। आप लोग को व्यवसायी बधाई शुभकामना अपने कम चाहते हैं। और हमारा डिस्ट्रिक्ट में प्राण प्रतिष्ठान के दौरान संभव का समस्या है, आपकी तरफ कैसा समस्या है, टूरिस्ट एक्टिविटीज का मोमेंट का क्या समस्या है, क्या संभव का समस्या आपके डिस्ट्रिक्ट में है नहीं, जब इंडिया के साइड में हमारा पार्क डिस्ट्रिक्ट में और नेपाल का जहाँ है वहाँ 29% मुस्लिम कम्युनिटी का है और अब आज से वहाँ पर सद्भाव का समस्या उठा है, वहाँ हिंदू का मुस्लिम कम्युनिटी ने अटैक किया और कुछ जगह में हिंदू ने भी मुस्लिम कम्युनिटी ने अटैक किया है। अभी जो जश्न मना रहे हिंदू लोगों और उन लोगों को समय न करने से वो दूसरा कम्युनिटी का आदमी हम हो जाए, हमारा सद्भाव का समस्या है, ताकि जश्न मनाए शांतिपूर्वक टोलेंस ग्रहण करके ऐसा मनाए तो हमारा चिंता है वहाँ पर। और आपका साइड में इलीगल एक्टिविटीज होने का हमारा सिक्योरिटी अफसर्स लोग आप लोग से रेगुलर मीटिंग भी कर रहे हैं कर चुके व अन्य महानुभावों के आगमन का प्रस्तावित कार्यक्रम एवं 26 जनवरी गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर सुरक्षा एवं सुदृढ़ कानून व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने हैं। किसी भी सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाली घटना को कार्य स्वरूप में रोकने हेतु असामाजिक एवं आपराधिक तत्वों पर प्रभावी अंकुश लगाने के संबंध में किया गया है।